हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोग? अच्छा जी, तो इट्स अ बरात डे और आपने पीछे पुराना मेरा व्लॉग देखा होगा जो मेहंदी का था। तो आज है बरात और मैं ये गाड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ। पीछे मैडम बैठी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग निकले हैं काम करने के लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन इनकी सैंडल्स रह गई थी तो हम वो लेने जाएंगे। अभी भी एंड टाइम तक इसके काम चल रहे हैं, आज बरात है और उसको सब चीज़ें लेनी है। खैर, तो मैडम को हील्स दिलाने आई हूँ, मगर आखिरी दिन पर याद आ रहा है। आखिरी दिन पे याद आ रहा है, इतना मैं न्यूज़ लग रहा दिखा के दिल्ली अब तुम के लिए सही लग रही है। हाँ सही लग रही है, अच्छी लग रही है। और हम यहाँ पर स्टाइल हुआ है इसको, इसके लिए हील्स ले रहे हैं और ये अच्छी लग रही है वैसे। खैर, तो काम काम नहीं ख़त्म हो रहे, उसके बाद हम जाएंगे घर। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, 11 बजे सोई हूँ और अब मैं यहाँ के साथ आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मैंने भी रात का मुझे सोया, मुझे ना नींद आ रही है, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, मैं बहुत थकी हुई, लेकिन फिर भी किसी काम ख़त्म नहीं हो रहा है। मेहंदी मैंने कल दिखाई थी तुम्हारी मेहंदी, इसकी मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा। अरे मैंने वीडियो नहीं बनाई अपनी मेहंदी की, काम चक्कर में टाइम ही नहीं है, तो अजीब सा हो रहा है सब। खैर, तो सैंडल्स हम लोग ने ले ली है। मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, हटे जैसे सोचते हैं वैसे कुछ भी नहीं होता, इसलिए कुछ भी नहीं। वैसे मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि जैसा मैं सोची वैसे नहीं होगा। चल जाने, हम जा रहे हैं इधर, किसको लेना है ड्रेस? लेट है, इसको सैलून छोड़ने जाना था हमें दोपहर में, और दोपहर से अब मगरिब का वक्त हो गया है, इसके काम खत्म नहीं हो रहा है। चार बजे का देते शायद, जाके फिर उसकी बात नहीं। अब मगरिब का वक्त हो चुका है और अब इसको पॉलिश होने जा रहे हैं, उसके बाद क्या काम है बस यही। तो फिलहाल तैयार होना, टाइम से होता है, तुम लोग लेट करके आते हो ना, कल भी तुम लोग पहुँचने तूफान। मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसको तो कुछ होश नहीं है अपना पॉलिश जाने से पहले, इसके लिए कुछ ले लें, वरना ये जब हॉल में तैयार होकर आई है तो ये वहीं बेहोश हो जाएगी। बस हम वहाँ रुके हैं, मजाक बना लो। और ये क्लिप मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड भी कर दूँगी, इमोशनल वाली वाइब आ रही है मुझे, ठीक है। हमारा स्क्वाड का एक बंदा कम होने जा रहा है। हाँ, हमारा बेसिकली हमारे स्क्वाड का एक बंदा कम, मतलब एक हो गया ऑलरेडी, अब एक और होने वाला है, फिर ये भी हो जाएगी, खत्म होने वाला है यार ये तो, एक कर गया। और समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बस खैर, विश यू अ हैप्पी लाइफ अहेड। और बस मैं रोऊंगी तो नहीं, वो बाद में रोऊंगी, इसकी बारात के लिए आंसू बचा लेते हैं। चलो गौरव उठा लिया, अब क्या रहता है? वो दो शॉप, ये दोनों हम इनको छोड़ने जा रहे हैं सैलून। तुम खा लेना और बैठ गए। मैडम का सामान भी लिया है, हालत होगी हमारी, और इसको खाने पीने का होश नहीं था, अब इसको होश आया। अब क्या सेटिंग है, इतना स्लो को चल रहा है यहाँ पर आकर, वैसे लेट हो गए हम लोग, सही की हालत हो गई हमारी। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। लेट है। अच्छा जी, तो फाइनल थक हार के सारे काम कर आने के बाद रात के 10 बज रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ पूरी तैयार, और शीशा गंदा हो रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। ड्रेस में दिखा देती हूँ, कपड़े मैंने कुछ ऐसे पहने और हिजाब आज मैंने ऐसे किया है, वैसे तो मैं यही हिजाब करती हूँ, लेकिन कल मैंने कुछ चेंज किया था कि मेरा दिल चाह रहा था। ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी मैंने, मैं नहीं पहनती, बस मुझे झुमके बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं वो ज़रूर पहन लेती हूँ, तो आज के झुमके मेरे कुछ इस तरह के हैं। और मेहंदी मेरी फिर रह गई दूसरे हाथ की, अब कल मैं ये ज़रूर अपनी मेहंदी लगवा लूँगी। तो बस अब हम निकलने का वेट कर रहे हैं, हम जाएंगे, मैं सही से बड़ा दिखा देती हूँ, हील्स मेरी कुछ ऐसी हैं। खैर, मैंने बहुत मुश्किल से ये सब कुछ किया है, मैं तैयार हुई हूँ, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आज सारे दिन मैं बहुत थक गई, मैं कल की बहुत थकी हुई थी, न रात को सही से सोई थी, और अभी भी मेरी बैटरी डाउन है, मैं बस कैसे ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्ट कर दिया मैंने सारे व्लॉग्स जब मेहमानों से लेकर ढोल की, तो मुझे वलीमे तक ये पूरा बनाना है। अच्छा जी, तो बस अब हम लोग निकलते हैं, और थोड़ा करीब से मेकअप दिखा देती हूँ, बस एक मेकअप ही है जो मैं बहुत शौक़ से कर लेती हूँ तो इस तरह से मेकअप किया है, देर होने लगी है, बाहर से सब आवाज़ें दे रहे हैं मुझे, तो बस हम चलते हैं। इस बार मैंने बारात ज्वाइन की है,
और मैं किसी को आगे नहीं आने दे रही। तो ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है बारात देखने में। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। और उसके अलावा मैंने ये बारात ज्वाइन की थी सारे बम धमाकों के कैप्चर करने के लिए। तो खैर, इफ एनी वन ऑफ यू कंसर्न कि मेरी फीमेल कज़न की शादी थी तो मैंने बारात किसे ज्वाइन किए, तो लेट मी टेल यू पीपल कि जो दोनों दुल्हा दुल्हन हैं वो दोनों ही मेरे कज़न्स हैं। तो इस तरह से आज मैंने बारात ज्वाइन की। अच्छा जी, तो दुल्हनिया को सैलून ड्रॉप करने के बाद मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मैंने बारात ज्वाइन कर ली थी, तो मैं चढ़ी हूँ उसको देखने के लिए। और माशाल्लाह से शी वॉज लुकिंग सो प्रीटी। और बस यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह शुरू हुई थी, आगे आप लोग क्लिप्स एंजॉय कीजिए। घंटे भर इसको छोड़कर रहता है, थक गई और थक भी तो। यहाँ पर मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ और कुछ भी फिलहाल मुझे उस सब खाने का इंतजार है क्योंकि मुझे शदीद भूख लग रही है। और पिक्चर्स वगैरह तो ले रही थी, कुछ खास नहीं फिलहाल। और फिलहाल सब आए नहीं है, वो आए नए खाना आ जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे दुल्हा साहब की एंट्री हो चुकी थी और माशाल्लाह से दे वर लुकिंग सो नाइस टुगेदर। और उसके बाद बस मैं तो यही क्लिप लेती रही थी, या बच्चों के साथ घूम ली या वीडियोस बना ली। मेरी कज़न बहुत मसरूफ थी पिक्चर लेने में, आई एम नॉट अ पिक्चर पर्सन एज आई टोल्ड यू। खैर, उसके बाद यहाँ पर मुझे इंतजार था कि वो पैसे वाला सीन शुरू हो जाएगा और इसमें हमने जो मस्ती किया। मुझे सुनो, नाक निकलते 50 तो चाहिए। अब इतने में तो इतनी राम से वहां पर उतने लो, चलो ये सही। अब तो मैं दादा के आगे ये लो, बस सही दे रहा ये लो, ये अपने पास रखो, अपने पास रखो यार। मोबाइल का जोड़ मुंह के हिसाब से देते जो तुझे ठीक लगे। मेरा मुंह बड़ा है, मैं नहीं सही आता, नीचे जाओ से ज्यादा करते। नोट सेकंड के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, 20 वाला तो होना चाहिए, 20 दोगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर बहस चलती रही, मुझे नहीं पता किसको कितना मिला क्या मिला, लेकिन इट वाज टू फन। मैं पूरी बहस का हिस्सा बनी रही हूँ, या शायद आधी, मुझे नहीं पता। मुझे अचानक से किसी ने बुला लिया था और फिर मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन वहाँ बहुत मज़ा आया। और उसके बाद बस मैं यहाँ पर आकर बैठ चुकी थी क्योंकि मैं थक गई थी। ये झुमके इतने भारी तो नहीं थे लेकिन मेरे कान दुख गए थे इससे। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब जा चुके
थक गई है, चलो अभी जा रही है। ओके लव अच्छा जी, तो बस यहाँ पर रुक सकती का टाइम आ गया था और स्टार्ट कर ही दी थी हम लोगों ने। खैर आप लोग वीडियो क्लिप्स देख चुके हैं और बस हम लोगों ने खूब मस्ती की इनके जाते जाते। अच्छा जी, तो यहाँ पर इट्स एन ऑफिशियल या फेयरवेल टाइम, सब मिल चुके थे, मैं भी मिल रही थी और इसके साथ मैं यहाँ पर बारात का व्लॉग करूँगी एंड आई होप शादी से रिलेटेड व्लॉग जो भी आप लोग देख रहे हैं वो आपको मज़ा आ रहा होगा देखने में। आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग मेकिंग दिस फॉर यू पीपल, तो बस कंजूसी मत किया करो, लाइक कर दिया करो, इस तरह मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। और ज़्यादा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।